सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपए भी सैलरी है, 100 रुपए होंगे, 1000 रुपए सैलरी है, 900 रुपए खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपए होंगे जो भी आपके पास पॉकेट में है, ठीक है। अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है तब, उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहां लगाएं? आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है। अगर आपके पास पैसे हैं अब बिजनेस लगाओ, बिजनेस में लगाओगे ये रिस्की बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं जो कि आपको पैनी शेयर 50 पैसे में भी शेयर मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए में आप 200 शेयर खरीद लोगे, लेकिन वो कंपनी में आपको विश्वास होना चाहिए कि वो बढ़ेगी क्या। सस्ते शेयर बहुत होते हैं, आप ऐसा मत सोचो कि 100 रुपए में तो क्या ही आएगा। भाई साहब रुको, 100 रुपए में बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनके 1000 शेयर भी आ सकते हैं। आपको 5 पैसे 10 पैसे 15 पैसे के शेयर मिल जाएंगे कंपनियों के, 50 पैसे 25 पैसे के शेयर मिल जाएंगे। हैं, अपने आप पे विश्वास रखते तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ।